were never inclined towards cricket as far as I know, and you were inclined towards other sports. So how did cricket happen to you at the first place? I think it's just everything related to cricket. I was selected for India camp in Handies. I'm talking about 2009. So that was the time where I had to decide like whether I have to pursue my studies or I have to be in, professionally into sports. So that was the toughest phase of life where we have to decide like what we have to do next when you don't have such exposures. Right. I'm from Shimla and I was never aware about women cricket, aware about the women players or maybe about women games. I never saw any cricket match on the TV. I never read any. I just used to read a magazine with my grandfather. All right. That time, there was a magazine called Cricket Jagat or Cricket Samrat. So I was a frequent, reader of that magazine. So that's how interest, जो आप कहते हो कि आपका interest बढ़ता है या आपके वो first impression जो है ना किसी चीज़ ने आपको motivate किया. So my grandfather and those watching matches on TV and listening radio commentary. और फिर एक्सपर्ट को सुनना बट आई नेवर वॉच्ड एनी क्रिकेट वुमेन क्रिकेट गेम जब तक मैंने खेला नहीं था. सो डिफिकल्ट फेस था इसलिए मैं कहूँगी बिकॉज जिस जगह से मैं बिलोंग करती हूँ उस जगह में पहले ही लाइफ को लेके वैसे ही एक्सपोजर बहुत कम है नॉट जस्ट अबाउट एनी स्पोर्ट. तो एक टाइम था लाइक माई फैमिली इज टोटली इन टू एजुकेशन. सो मेरा भी शायद यही चल रहा था दिमाग में शायद मेरा भी यही रास्ता है मुझे भी शायद सेम इनकी फुटस्टेप्स फॉलो करने हैं. जैसा माई सिस्टर इज इन टीचिंग लाइन माई डैड इज ऑल्सो टीचर आई मीन माई ग्रैंड फादर इज ऑल्सो रिटायर्ड टीचर. सो सब कुछ मतलब वो आपका एक सेटअप रहता है ना माइंड सेटअप कि यार अभी शायद मुझे भी यही करना है बट कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा था यार मैंने बिकॉज आई नेवर थॉट कि मैंने इंडिया के लिए खेलना है. इट्स नॉट जस्ट अबाउट क्रिकेट या फिर जो भी मैं गेम्स खेल रही थी उसमें भी कोई ऐसा बड़ा गोल नहीं था मेरा कि मुझे किस लेवल पे खेलना है मुझे आई हैव टू बी देयर ऑन हाईएस्ट लेवल ऐसा कुछ नहीं था मेरे दिमाग में. आई जस्ट वांटेड टू प्ले बिकॉज मुझे अच्छा लगता था वो सारी गेम्स खेलना एंड आई वॉज फिट बिकॉज आप ऐसी जगह से हो जहाँ हिल एरिया में रहते हो जहाँ इतना चलना पड़ता है और आपको वैसे ही सारी चीज़ें आराम से नहीं मिलती है आपको. यूनिवर्सिटीज में लाइफ फिर बेटर है दैट वे कि आपको चीज़ आराम से मिल जाती है आप 2 मिनट में गाड़ी घुमाओ स्कूटी घुमाओ और निकल के कुछ भी ले लो. सो ऐसा नहीं था पहाड़ों में दैट वे आई वॉज फिट एनफ. इसी वजह से शायद इसी ने हेल्प किया किसी भी स्पोर्ट में जाने के लिए बिकॉज आई हैड गुड बॉडी लैंग्वेज स्पोर्ट्स पर्सन पॉइंट ऑफ व्यू से तो ईजी था सारी गेम्स को अडॉप्ट करना. और स्कूल टाइम पे लाइक I have to rate myself. I was 50-50 both ways towards studies also and towards my games also. So like मेरे लिए क्योंकि घर से वो pressure था आपके ऊपर अगर आपको parents नहीं भी बोलते but still आप ले लेते उस तरीके का pressure जब आपको पता है कि आपकी family पूरी education इसमें अगर आप अगर किसी भी subject में marks कमाएंगे तो पापा को कहीं ना कहीं से पता चलेगा कोई ना कोई teacher आके बता देंगे तो उस तरीके का pressure था दिमाग में था कि यार नहीं मुझे पढ़ाई में भी इक्वली कंट्रीब्यूट करना है. तो जब क्रिकेट खेलने की बात आई ये सब ऑल ऑफ सडन हुआ मुझे पता चला कि 2009 की बात है प्लस टू के एग्जाम्स दिए थे कि यार अभी क्या करना है मुझे तो पता चला रेजिडेंशियल एकेडमी खुल रही है धर्मशाला में जो कि इंडिया की फर्स्ट रेजिडेंशियल एकेडमी है. तो मुझे लगा यार मुझे ये भी ट्राई करना है मुझे ये मिस नहीं करना है लाइक अभी बचा ही क्या है ना आपने इतनी सारी गेम्स खेल ली है और मुझे ऐसा लगता है मेरा ऐसा मानना है आफ्टर बीइंग इनटू प्रोफेशनली बीइंग इनटू दिस गेम मेरा ये एक्सपीरियंस है कि मैं मेरा ये मानना है कि जब आप मोस्ट ऑफ द टाइम व्हेन यू आर गोइंग आप अपना 100-200% देते हो और अपने आप से एक्सपेक्टेशन नहीं रखते हो. दैट टाइम आई वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग अपने आप से कि मैंने इंडिया के लिए खेलना है या फिर मुझे और गेम्स में भी कुछ अच्छा करना है. नो आई वॉज जस्ट एंजॉइंग इट आई यूज टू एक्सप्लोर एवरीथिंग मैंने मेरे को पूरा देना है अपना पूरा दिन फिर शाम को चाहे आपको खुद की फिजिकली यू आर टोटली एग्जॉस्टेड. तो वो सिचुएशन थी वो सब चलता था बट जब आप प्रोफेशनली किसी चीज़ में घुस जाते हो देन देर आर सो मेनी थिंग्स आप प्रोफेशनली आपके ऊपर परफॉर्मेंस देने का भी प्रेशर इवन इन प्रैक्टिस ऑल्सो यू हैव टू बी देयर ऑल द टाइम और
that has to be competitive. तो वो चीजें जो है ना जब आप आपके ऊपर जब आपसे expectation और आपके ऊपर जब outcome then things are very different. So वो time था like मैं अगर वापस मैं याद करती हूँ वो दिनों को तो अभी भी जब मुझे कभी time मिलता है तो I go and play each and every sport. जब भी मुझे कभी time मिलता है तो still I play badminton every evening. जब भी मुझे time मिलता है या कहीं court मिल गया तो I always try कि मैं खेलूँ 3-4 games मैं रोज खेलूँ.